बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला ऐसी हस्ता मुस्कदवा आबाद रखे और हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ ईद स्पेशल की। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही इजी है ये रेसिपी और इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। स्पेशली ईद पर ये हर घर में तकरीबन बनाए जाते हैं इस रेसिपी को। तो आज ही आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ एक आसान से तरीके के साथ और बहुत ही टेस्टफुल तरीके के साथ। शुरू कर लेते हैं अपनी आज की अपनी इस रेसिपी को। यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। ऑयल हमारा गर्म होगा तो इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। इसे 1 मिनट तक हम फ्राई करेंगे। इसमें एक अच्छा सा अरोमा आने लगेगा तो हम इसके अंदर डाल देंगे अपना चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर देंगे। तो यहाँ मेरे पास प्याज है एक बड़े साइज़ का, एक आलू था बड़े साइज़ का उसे मैंने बॉईल करके कट कर दिया है, 2 टमाटर थे मीडियम साइज़ के उसे भी मैंने चॉप कर दिया है। प्याज चॉप किया हुआ था वो हमने इसमें ऐड कर दिया है पहले। अब प्याज को हमने 1 मिनट तक इसमें सॉटे करना है, फ्राई नहीं करेंगे। यहाँ पर फ्लेम को हम हाई कर देंगे, हाई करके हमने इन सारी चीज़ों को इसमें फ्राई करना है। प्याज हमारे जो हैं सॉटे हो चुके हैं। इसके अंदर अब मैं डाल दूंगी टमाटर जो हमने चॉप किए थे, ये सारे टमाटर मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इसे भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे और इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी अपने जो बॉईल कर लिया था मैंने आलूओं को, वो भी इसमें मैं साथ ही इसके ऐड कर दूंगी। तो बस फ्लेम का इसमें ख्याल रखना है, फ्लेम अगर हमने यहाँ पर स्लो कर दी तो यहाँ पर हमारे जो डाले हमने वेजिटेबल्स ये सॉफ्ट हो जाएंगे और हमारे चनों में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो यहाँ हाई फ्लेम पर हमें ये सारा काम करना है झटपट से। तो यहाँ पर हाई फ्लेम में मैंने ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। अब मैंने इसमें आलू भी ऐड कर दिए हैं। अब इसको मिक्स कर लेते हैं और इसके अंदर हम अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं सबसे पहले डाल दूँगी 1 टीस्पून डाल दूँगी यहाँ पर मैं चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून मैं इसमें डाल दूंगी कश्मीरी रेड चिली। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सिर्फ इसके कलर के लिए, बाकी ये तेज़ बिल्कुल भी नहीं होती है। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं 1 टीस्पून डाल दूंगी भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा मैंने इसमें ऐड कर दिया है और अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी चने थे मेरे पास, 1 कप मेरे पास चने थे और उसे मैंने बॉईल कर दिया था, रात भर मैंने इसे भिगो दिया था और उसे मैंने बॉईल कर लिया है। अब इसके उससे पहले मैंने इसमें डाल दिया है इमली का पल्प, 1/2 कप मेरे पास इमली का पल्प था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अगर आपको खट्टा ज़्यादा पसंद नहीं है तो इसको कम कर सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ 1 कप बॉयल चने थे मेरे पास, रात भर इसे मैंने भिगो दिया था और वो मैंने बॉयल कर लिए हैं 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डालकर। तो इसे भी हम इसमें मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून में इसमें डालूंगी हरी मिर्च क्रश की हुई, तकरीबन 2 से 3 हरी मिर्चें हैं ये, वो मैंने इसमें क्रश करके डाल दी हैं चॉप करके। और इसमें अब मैं डाल दूंगी 1 टेबल स्पून दही बड़ा मिक्स मसाला, इसमें मैंने ऐड किया है, ये है मेरा होममेड दही बड़ा मिक्स मसाला है, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आपके पास अगर है कोई भी मार्केट का तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, इसका फ्लेवर इसके अंदर बहुत अच्छा सा आता है। आप इसको डाल के देखिएगा, ट्राई करके देखिएगा, आपको खुद टेस्ट अच्छा लगेगा इसका। तो वो मैंने इसमें ऐड कर इसको मिक्स कर दिया है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी अपना चॉप किया हुआ हरा धनिया, इसमें ऐड कर देते हैं। अभी चाट जो है हमारी रेडी हो गई है। अब इसके हमने हाई फ्लेम पर ही हमने इसको जो इसका बबल्स आ रहे हैं वो हमने ड्राई करना है, बिल्कुल हम ड्राई नहीं करेंगे, सिर्फ जो इसके बबल्स नज़र आ रहे हैं वो बबल्स आना बंद हो जाएंगे तो हम अपनी फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। यहाँ देखिए ये बबल नज़र आ रहे हैं आपको, ये आना ख़त्म हो जाएंगे तो हम अपने फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। यहाँ मैंने 1/2 लेमन का जूस ऐड किया है, आप चाहें तो डाल दीजिए वरना आप स्किप कर सकते हैं। तो ये देखिए चाट हमारी रेडी हो गई है, इसके बबल्स आना बंद हो गए हैं। तो अब मैंने यहाँ पर फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और ये हमारी मज़ेदार सी मसालेदार सी चने की चाट तैयार हो गई है। अब मैं इसको निकाल देती हूँ, अपने प्लेटर में निकाल देती हूँ और आप इसको बनाइए, एंजॉय कीजिए, ये सबको बहुत पसंद आएगी, बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी सी ये मसालेदार सी चाट है।
स्पेशली ईद पर इसे बहुत सारे लोग बनाते हैं और बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, तो इसलिए ये रेसिपी आपके साथ आज मैंने शेयर की है। तो आप बना सकते हैं इजीली, अपनी ईद को इस पर एंजॉय कर सकते हैं। इसको बनाकर ईद पर अपने मेहमानों को सर्व कीजिए, तो ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और फीडबैक भी मुझे दीजिएगा कैसे लगी आज की रेसिपी। और अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बराबर में दिए गए बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सके और आप उसको ऐसे इंजॉय करते रहें। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिलीज़ में। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ज़बरदस्ती मसालेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।